प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांगी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में वर्चुअल हुए शामिल। इसी महाविद्यालय में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का किया शुभारंभ। देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी को किया गया रवाना। रायपुर रेल मंडल ने रचा नया इतिहास। छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के तारीखों का किया गया ऐलान। कोरोना गाइडलाइन के सत्ता ऑफलाइन होगी परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित अनेक कार्यक्रमों में वर्चुअल रूप से शामिल हुए, जिसमें कृषि महाविद्यालय रायपुर में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ करने के साथ विद्याचरण शुक्ल चौक का भी लोकार्पण किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य योजना आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद राजीव भवन में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। राज्य पुलिस अकादमी का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी कर दिया गया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और 1:30 बजे साइंस कॉलेज के समीप पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के शपथ ग्रहण महाधिवेशन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल शाम 5 बजे अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद शाम 6:40 पर रायपुर के ओसीएम चौक के सौंदर्यीकरण के बाद नए स्वरूप में निर्मित स्वर्गीय पंडित विद्याचरण शुक्ल चौक का लोकार्पण भी करेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती है और ये पूरा वर्ष 125वीं जयंती के रूप में हम सब मनाएंगे। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। देश के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय है। आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निसार किया था। 1938 और 1939 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में रहे। अंग्रेजों की दासता से देश को मुक्त कराने के लिए उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया था। इस कारण उन्होंने 1940 में देश छोड़ा और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका पूरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए समर्पित रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम आज उनके नवीन सोच और नेतृत्व कौशल को भी याद कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आज सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राजीव भवन में आयोजित संगोष्ठी में शामिल होंगे। बता दें कि दोपहर 12:40 को राजीव भवन शंकर नगर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष वक्ता भी शामिल होंगे। वहीं इस मौके पर आज सीएम बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को 125वीं जयंती पर उन्हें नमन किया है। नेताजी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीएम बघेल ने कहा है कि नेताजी ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे फौलादी नारों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए लोगों का आह्वान कर उन्हें जागृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन कर स्वाधीनता आंदोलन को मजबूती प्रदान की है। भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अमूल्य योगदान के लिए नेताजी सदा याद किए जाएंगे। प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में परिवहन विभाग के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को नवीन मेक व मॉडल के अनुमोदन तथा वाहन डीलर्स के निलंबित व्यवसाय प्रमाण पत्रों की अपील का त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले वाहन डीलर्स का व्यवसाय प्रमाण पत्र क्षेत्रीय अथवा जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा निलंबन किया गया है। ऐसे निलंबित व्यवसाय प्रमाण पत्रों के निलंबन के विरुद्ध अतिरिक्त परिवहन आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर में अपील की जा रही है। परिवहन मंत्री अकबर ने इनमें अब तक प्राप्त समस्त निलंबित व्यवसाय प्रमाण पत्रों के अपील प्रकरणों की नियमानुसार सुनवाई कर एक कार्य दिवस 23 जनवरी शनिवार तक व्यवसाय प्रमाण पत्र बहाल करने के लिए निर्देशित किया है। इसी तरह उन्होंने नवीन मेक व मॉडल के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए और छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम के तहत नवीन मेक मॉडल के अनुमोदन की प्रक्रिया को भी 25 जनवरी सोमवार तक हर हालत में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया है। बैठक में अवगत कराया गया कि जिन वाहन डीलर्स के व्यवसाय प्रमाण पत्र बहाल किए गए हैं वे अनुमोदित मेक मॉडल का विक्रय प्रारंभ कर सकते हैं।
बैठक में समीक्षा करते हुए नवा रायपुर के तेंदुआ ग्राम में 17 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन IDTR सेंटर के निर्माण में अपेक्षित गति लाते हुए इसे आगामी माह मार्च तक पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। IDTR सेंटर के बन जाने से राज्य में दक्ष अथवा कुशल ड्राइवर के लिए प्रशिक्षण की अच्छी सुविधा होगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल और 12वीं की परीक्षा 3 मई से शुरू होगी। इस संबंध में शिक्षा मंडल में आदेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 मई को समाप्त होगी, वहीं 12वीं की 3 मई से 24 मई तक चलेगी। मुख्य परीक्षा की समय सारणी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी गई है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह साफ कर दिया है कि इस बार परीक्षा ऑफलाइन होगी। परीक्षा केंद्रों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव के लिए सभी बिंदुओं का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इस वर्ष प्रायोगिक परीक्षाएं 10 फरवरी से प्रारंभ की जाएंगी। इन परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक विषय की प्रायोगिक परीक्षा एक दिन में 2-3 शिफ्ट में आयोजित की जा सकेंगी तथा छात्र संघ अधिक होने की स्थिति में उसी विषय की परीक्षा 1 से अधिक दिनों में भी ली जा सकेगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रायोगिक परीक्षा में वाय परीक्षक की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। यथासंभव 10 मार्च 2021 तक परियोजना कार्य एवं प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्ण कर ली जाएंगी। इस संबंध में सभी शालाओं के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाएगी, अर्थात छात्र अध्ययनरत शाला में ही परीक्षा देंगे। संबंधित शाला के द्वारा ही परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे। समय सारणी तैयार की जाएगी एवं मूल्यांकन कराकर परिणाम घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। प्रदेश में धान खरीदी में अव्यवस्था और धान का पैसा एकमुश्त देने की मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर भूपेश सरकार को घेरा है। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय सहित राजधानी रायपुर में बीजेपी ने विशाल धरना प्रदर्शन कर भूपेश सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल से भाजपा नेताओं सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले। इस दौरान कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सप्रे स्कूल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग रख रखी थी। बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात भी किया गया था। जैसे ही प्रदर्शनकारी सप्रे स्कूल के पास पहुंचे, वैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झूमाझटकी भी हुई। कुछ देर बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने भूपेश सरकार पर बरसते हुए कहा कि हम भूपेश सरकार को नींद से जगाने आए हैं और निश्चित ही आने वाले चुनाव में उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। भूपेश सरकार जिस तरह से किसानों के धान के आड़े आ रही है, ये छत्तीसगढ़ किसानों को नापसंद है। पर किस प्रकार का आक्रोश है और भूपेश सरकार को हम नींद से जगाने आए थे, मुझे लगता है कि आज किसानों के इस विषय से भूपेश सरकार की नींद उड़ जाएगी और आने वाले समय में जो भूपेश सरकार ने किसानों के मुद्दे पे जो वादा खिलाफी की है, जो पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने की लड़ाई की आज शुरुआत और आगाज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार की जमकर आलोचना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो सिर्फ सभी जिलों में भाजपा प्रदर्शन कर रही है, इसके बाद भाजपा का प्रदर्शन और अधिक उग्र होगा जिससे भूपेश सरकार सतर्क हो जाए। का संदेश है कि कुर्सी काली करो कि जनता आती है। अब जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और ये जनता भूपेश बघेल को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर आ गई है और आज उसका ये प्रारंभिक है, ये उसका ट्रेलर है। पिक्चर क्या होगी, ये तो सिर्फ एक जिले का प्रदर्शन है। ये इस बात का कि आज किसान परेशान है, आज नौजवान परेशान है, आज महिलाएं परेशान है, आज यहाँ का हर व्यक्ति परेशान है और लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ये पहली सरकार है कि 2 साल में ही जिस सरकार की लोकप्रियता समाप्त हो रही है। धान खरीदी की शुरुआत से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक रही है। अब विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साथ ही अन्य मुद्दों पर भी भाजपा ने भूपेश सरकार को घेरा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा के प्रदर्शन के साथ सरकार पर क्या असर पड़ता है। मीडिया जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में धान इन दिनों सियासत का एकमात्र मुद्दा बना हुआ है। एक और विपक्ष प्रदेश सरकार के समर्थन मूल्य में धान खरीदी पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल धान खरीदी के आंकड़े जारी कर विपक्ष को नीचा दिखाने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने धान खरीदी का नया इतिहास कायम किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में अब तक 84,44,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जिसमें पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस मौके पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी 2 साल की उपलब्धियों को फिर से गिनाया है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश भाजपा के साथ साथ केंद्र सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सर्वाधिक धान खरीदी के रिकॉर्ड से भाजपा बौखलाई हुई है। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में भाजपा को हंटर मार रही है, जिससे उनके नेता प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने आगे कहा, यह केंद्र की चाल है। भाजपा का प्रदर्शन कृषि कानूनों से खोए भरोसे को वापस पाने की रणनीति है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, 2 साल में 6 लाख किसान बढ़े हैं। जो खेतिहर मजदूर हो गए थे, मजदूरी करते थे, उन लोगों ने भी किसानी का काम चालू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज बेनकाब हो चुके हैं। वो उनको दिख गया है कि हम कहीं सरकार के जो काम है उनका पीछा नहीं कर सकते, इसलिए दिखावे के लिए धरना प्रदर्शन करना है। और केंद्र के जो तीनों कृषि कानून हैं, उन कृषि कानूनों को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नकार चुके हैं, लेकिन बोलने में शर्म है, बाहर नहीं बोल सकते। उन्होंने उनको ले जाके मंडी में धान बेचना चाहिए, कृषि कानूनों का, केंद्रीय कृषि कानूनों का लाभ लेना है तो, लेकिन वो हमारे यहाँ ही धान बेच रहे हैं। हम बोनस दे रहे हैं, सरकार बोनस दे रही है, समर्थन का पैसा दे रही है, उसको ले रही है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे सरकार की जो नीति है उसका पालन कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति जो खड़े दिखने का बात करती है वो बेनकाब हो चुकी है। जो धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आज की स्थिति में 84 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर हम लोगों ने खरीदी कर लिया है। 2020-21 में जो पंजीकृत किसान हैं उसमें 21,52,000 किसान, और पिछले साल 2019-20 में 19,55,000 किसानों ने पंजीयन कराया था। इस प्रकार से लगभग 2 लाख अधिक किसानों ने अपना पंजीयन धान बेचने के लिए कराया। रकबा में भी 2020-21 में जो पंजीकृत क्षेत्रफल है वो 27,090,00,000 हेक्टर, और 2019-20 में ये आंकड़ा 26,86,000 था। इस प्रकार से हम देखें तो लगभग 104 हेक्टर का क्षेत्रफल में इजाफा हुआ है। धमतरी जिले के कुकरेल तहसील में ग्राम गंगरेल और मरादेव को जोड़े जाने से नाराज ग्रामीणों ने धमतरी गंगरेल मार्ग पर चक्का जाम कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। चक्का जाम की वजह से सड़क के एक और गाड़ियों की लाइन लग गई है। बता दें कि कल शुक्रवार होने की वजह से भारी संख्या में सैलानी गंगरेल बांध और अंगार मोती मंदिर आ रहे थे। दरअसल कुकरेल को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। गंगरेल पंचायत से 107 गांव को कुकरेल तहसील में जोड़े जाने की तैयारी है, जिस पर ग्राम पंचायत गंगरेल एवं मरादेव के ग्रामीणों द्वारा आपत्ति की गई है। सरपंच रमेश काड़े ने बताया कि यदि ग्राम गंगरेल एवं ग्राम मरादेव को कुकरेल तहसील में जोड़ा जाता है तो उन्हें लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय कर राजस्व के कामों के लिए जाना पड़ेगा, जिससे आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जबकि गंगरेल ये धमतरी तहसील की दूरी 8 किलोमीटर है। अगर दोनों ग्रामों को कुकरेल तहसील में जोड़ा जाता है तो ग्रामीणों को काफी दिक्कतों एवं आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते ग्रामीणों ने धमतरी गंगरेल रोड पर चक्का जाम कर दिया है और सड़क पर धरने में बैठ गए हैं, जिससे सड़क के एक और गाड़ियों की लाइन लग गई है। चक्का जाम को देखते हुए भारी पुलिस बल लगाया गया है। और धमतरी तहसील में हमारी ग्राम पंचायत धमतरी तहसील में थी, लेकिन अभी सुनने में मिल रहा है क्या इसको कुकरेल में जोड़ा गया है,
इसलिए ये हमारा धरना प्रदर्शन उसी के इसमें है। मैंने पांच बार आवेदन दे चुका हूँ कलेक्टर महोदय को, धरना प्रदर्शन भी किया हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को सटिस्फैक्शन जवाब अभी तक नहीं दिए है। मैं बोल रहा हूँ जो मेरे गांव वाले बोलेंगे मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे अगली खबरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया लेकर आ रहा है आपके समक्ष द न्यूज समाचार चैनल। द न्यूज में हैं अनुभवी कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इनपुट हेड, स्क्रिप्ट राइटर, जिन्हें वर्षों का अनुभव है। हमारी यह टीम 2400 घंटे कंप्यूटर के ऊपर खेल रही है। हमारी टैगलाइन है खबर पल पल की। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एक टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार का समाचार जो आपके लिए बहुपयोगी हो, जो देश के लिए बहुपयोगी हो, कोई भी ऐसा समाचार न छूटे जिसे दिखाया जाना आवश्यक हो। द न्यूज़ अन्य चैनलों से हटकर होगा। इसके समाचार, इसकी खबरें, इसकी गुणवत्ता, हर किसी को हमने एक अलग कसौटी पर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारा यह चैनल जो छत्तीसगढ़ में ग्रांट पे 340 पर दिखाया जा रहा है, एशियन पर 171 पर और टाटा स्काई पर सुबह 9 से 9:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक, रात्रि 9:30 से 10 बजे तक और 10:30 से 11 बजे तक 1168 नंबर प्लेटफॉर्म पर अवश्य देखें। अपनी प्रतिक्रियाएं दें, आपका सहयोग चाहूँगा, आपका स्नेह चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि राज्य और देश की सेवा में यह चैनल द न्यूज़ अपनी अहम भूमिका निभाए। अपेक्षा है सहयोग की, आशीर्वाद की। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी का परिचालन शुरू कर दिया गया है। 3.5 किलोमीटर लंबी फ्रेट ट्रेन वासुकी को भिलाई डी केबिन से कोरबा के लिए रवाना किया गया है। बता दें, वासुकी को 5 मालगाड़ियों को जोड़कर शुरू किया गया है। इस ट्रेन में उपभोक्ताओं को तुरंत डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने भारतीय रेलवे में पहली बार आज 3.5 किलोमीटर लंबी वासुकी मालगाड़ी का परिचालन कर इतिहास रच दिया है। रायपुर मंडल के भिलाई डी केबिन से बिलासपुर मंडल के कोरबा तक 5 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर चलाया गया। इस मालगाड़ी की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इस ट्रेन का नाम वासुकी दिया गया है। फ्रेट ट्रेनों के परिचालन समय को कम करने, क्रू स्टाफ की बचत एवं उपभोक्ताओं को त्वरित डिलीवरी प्रदान करने हेतु लगातार लॉन्च और मालगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में कोरोना के 440 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 5 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी से 697 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना से अब तक 287,040 लोग ठीक हुए हैं। अभी तक कोरोना से 3,601 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,308 है। प्रदेश में आज 24,473 लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चैम्बर के विभिन्न पदों के लिए पूरे राज्य में 5 चरणों में मतदान कराया जाएगा। इसके लिए मार्च महीने में 11, 13, 14, 17 और 20 मार्च को निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 21 मार्च को मतगणना की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक 11 मार्च को मनेंद्रगढ़, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, गरियाबंद में वोटिंग होगी। वहीं 13 मार्च को भिलाई, दुर्ग और बेमेतरा में मतदान कराए जाएंगे। इसके साथ ही राजनांदगांव, बालोद और कवर्धा में 14 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, मुंगेली, जशपुर और रायगढ़ जिले में 17 मार्च को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। रायपुर, बलौदा बाजार और महासमुंद में 20 मार्च को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विभिन्न पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। 21 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हुए चुनाव की मतगणना की जाएगी। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर निकलने वाली राज्यों की झांकियों का नई दिल्ली की राष्ट्रीय रंगशाला में प्रेस प्रीव्यू आयोजित किया गया। प्रेस प्रीव्यू के दौरान छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों पर आधारित झांकियों को राष्ट्रीय मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी के समक्ष
छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने मांदरी नृत्य का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस पर इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा। छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की जा रही इस झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य शामिल किए गए हैं। इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहारों तथा रीति रिवाजों में निहित सांस्कृतिक मूल्यों को भी रेखांकित किया गया है। झांकी के ठीक सामने वाले हिस्से में एक जनजाति महिला बैठी है जो बस्तर का प्रसिद्ध लोक वाद्य धनकुल बजा रही है। धनकुल वाद्य यंत्र धनुष सूप और मटके से बना होता है। जगार गीतों में इसे बजाया जाता है। झांकी के मध्य भाग में तुरही है, ये फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसे मांगलिक कार्यों के दौरान बजाया जाता है। तुरही के ऊपर गौर नृत्य प्रस्तुत करते जनजाति है। झांकी के अंत में मांदर बजाता हुआ युवक है। झांकी में इनके अलावा अलगोजा, खंजेरी, नगाड़ा, टासक, बांस, बाजा, नगदेवन, बाना, चिकारा, तुड़बुड़ी, ढाहक, मिर्दिन, मिंडिया, ढोल, गुजरी, सिंह बाजा या लोहाटी, टमरिया, घसिया ढोल, तंबूरा को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में सेकेंडरी स्तर पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत बच्चों को नवीन तकनीकी का प्रयोग कर सरल और सहज ढंग से अध्यापन कराने वाले शिक्षकों से अनुभव को साझा करने के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सभी विषयों की प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी गठित होगी। यह पीएलसी प्राथमिक स्तर पर गठित पीएलसी के समान ही होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने इस आशय के निर्देश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में गणित विषय के विषय विशेषज्ञों की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए हैं। डॉक्टर शुक्ला ने कहा है कि राज्य स्तर पर उच्चतर माध्यमिक स्तर की गठित होने वाली यह समिति शिक्षकों और बच्चों को अकादमिक सहयोग प्रदान करेगी। राज्य में गणित विषय पर नवाचार करने और गणित की पीएलसी का नेतृत्व करने के लिए बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एम आर सावन, राजेश अग्रवाल, सी के वर्मा को एडमिन चयन किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बच्चों को गणित विषय में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर अभ्यास पर बल देना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक के उपयोग से गणित को बच्चों तक सरल और सहज रूप से सिखाने तथा बच्चों के मन में गणित के भय को दूर करने के उपाय बताए। छत्तीसगढ़ में पिछले दो रात से बड़ी ठंड फिर से कम होने के आसार में है। इसका वजह ये है कि हवा की दिशा फिर बदलकर दक्षिण पूर्वी हो रही है। इस वजह से दक्षिण में नमी आने लगी है। यही नमी रात की ठंड को कम करेगी। राजधानी में गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के करीब पहुंच गया था। यह सामान्य से 4.3 डिग्री कम था। प्रदेश के बाकी हिस्से में भी रात की ठंड बढ़ी थी और पारा 2 से 5 डिग्री तक गिर गया था। हालांकि इस बार जनवरी में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। इसी माह राजधानी का तापमान 12.2 डिग्री पर आ गया था। सरगुजा संभाग के मैनपाट, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया व अंबिकापुर में शीतलहर तक चली है। गुरुवार व शुक्रवार को रात का तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिरा। राजधानी में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। वहीं दिन का तापमान 30.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहा। सबसे कम तापमान अंबिकापुर का 8.4 डिग्री रहा। सबसे अधिक तापमान रायपुर का रहा। बिलासपुर व राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। बाकी जिलों में सामान्य रहा। मौसम विभाग केंद्र लालपुर के मौसम विज्ञानी एसपी चंद्रा के अनुसार मार्च तक उतार चढ़ाव के साथ ठंड जारी रहेगी। जाते जाते एक बार फिर हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में वर्चुअल हुए शामिल। किसी महाविद्यालय में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का किया शुभारंभ। देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी को किया गया रवाना। रायपुर रेल मंडल ने रचा नया इतिहास। छत्तीसगढ़ में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के तारीखों का किया गया ऐलान। कोरोना गाइडलाइन के सत्ता ऑफलाइन होगी परीक्षा। इसी के साथ ही आज के प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।